Welcome to Future of India. Today's our first topic is Sustainable Development Goal India Index. ये इंडेक्स है वो रिलीज़ किया जाता है नीति आयोग के द्वारा. इसके अंदर ये मेज़र किया जाता है कि जो डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ है जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करने में वो कितनी प्रोग्रेस कर पाए हैं और कितना उसको अचीव करने की डायरेक्शन में है. अगर कुछ फाइंडिंग्स की बात करें तो टॉप 12 स्टेट्स के अंदर केरला जो है उसका स्कोर 70 सब पे टॉप पे है. फिर हिमाचल प्रदेश 69 है. बॉटम स्टेट्स की बात करें तो बिहार सबसे पीछे है जिसका स्कोर है 50. इसके अंदर 0 to 100 के बीच में स्कोर प्रोवाइड किया जाता है. टॉप 5 यूटीज की बात करें चंडीगढ़ सबसे ऊपर 70, फिर पुदुचेरी 66 और ये नीचे है अंडमान निकोबार आइलैंड दमन एंड दीव और दिल्ली है 61. आपको ब्रॉडली आपको पता होना चाहिए केरला टॉप पे इधर, बिहार एक बॉटम पे है और यूटी की बात करें तो चंडीगढ़ जो टॉप पे है. ये जो इंडेक्स है इसका अभी सेकेंड एडिशन रिलीज हुआ SDG इंडिया इंडेक्स 2.0 नीति आयोग के द्वारा. इसके अंदर प्रोग्रेस मेड बाय द इंडियाज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टुवर्ड्स अचीविंग द 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स उनको मेजर किया जाता है. 2018 के रेस्पेक्ट में बात करें तो 2018 के अंदर 13 गोल्स को इंक्लूड किया गया था लेकिन इस बार 16 जो टोटल आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें से 16 को टारगेट किया गया है और 2018 के रेस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट है. मीन्स स्टेट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की राइट डायरेक्शन में है. इसके इंडेक्स को डेवलप किया गया है इन कोलेबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द यूनाइटेड नेशंस एंड द ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट. याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और 2020 की बात करें तो ये 5th एनिवर्सरी है क्योंकि बिकॉज आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट किया गया था 2015 के अंदर और अभी 2020 है तो ये 5th एनिवर्सरी है. और इसकी बात करें कि ये जो स्कोर है इसके अंदर 0 to 100 के बीच में रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है. अगर हायर स्कोर होता है तो वो ये डिफाइन करता है कि जो स्टेट्स है वो 2030 जो टारगेट्स हैं उसकी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. इसके अंदर जो रैंकिंग है उसका फर्दर कैटेगराइजेशन देखो जो स्कोर है उसका एस्पिरेंट है अगर स्कोर आपका 0 to 49 है, परफॉर्मर है अगर 50 to 64 है, और फ्रंट रनर है 65 to 99 एंड अचीवर है 100. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें फर्दर 4 क्लासिफिकेशन एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर एंड अचीवर. इंडिया की ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 2018 के अंदर स्कोर था 57 जो कि 2019-20 के अंदर 760 हुआ है. मीन्स इम्प्रूव हुआ है. जो मेजर सक्सेस मिले इंडिया को वाटर एंड सैनिटेशन, पावर एंड इंडस्ट्री के फील्ड में. और कहाँ पे दिक्कत फेस हुई, न्यूट्रिशन एंड जेंडर इक्वालिटी कंटिन्यू टू बी प्रॉब्लम एरियाज. यहाँ पे अभी इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन एंड जेंडर इक्वालिटी. अगर ओवरऑल बात करें तो कंपेयर टू 2018 14 स्टेट्स हैव ड्रॉप्ड. 14 स्टेट्स का जो नंबर है वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया है. और इसके बारे में इंफॉर्मेशन बात करें कि जो हमको आपको पता है कि स्टेट्स जो अभी मैंने अभी आपको पहले बताया केरला टॉप पे है 70, फिर हिमाचल प्रदेश 69, बिहार सबसे बॉटम पे है और यूपी हैज शोन मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट. जो किसके द्वारा दिखाया गया, यूपी के द्वारा, उसके बाद में उड़ीसा और सिक्किम के द्वारा. यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो चंडीगढ़ टॉप पे है और उसके बाद में पुदुचेरी. ये मेंस 2018 में क्वेश्चन आया, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो टोटल 17 है जो कि अभी इंडिया ने जो अभी इसके अंदर कवर किए वो 16 है. कौन कौन से, नो पावर्टी, जीरो हंगर, ये आपको एक बार पता होना चाहिए. 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको एकदम से रटे हुए होने चाहिए बिकॉज आपको जब आप आंसर राइटिंग करोगे उसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ आप कर सकते हो और इससे वैल्यू एडिशन हो जाएगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गुड गवर्नेंस इंडेक्स. मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन के द्वारा ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स को किया जाता है. ये क्या करता है, बेसिकली ये डिटरमाइन करता है कि किसी स्टेट के अंदर जो उसकी गवर्नेंस है वो कैसी है, उसको मेजर करने का एक इंडेक्स है गुड गवर्नेंस इंडेक्स. इसके अंदर 10 पैरामीटर्स है, कौन कौन से, जैसे देखो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, ये 10 पैरामीटर्स को कवर किया जाता है. ये पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए. इस असेस द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस इंटरवेंशन टेकन अप बाय द स्टेट्स गवर्नमेंट्स एंड यूटीज. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड क्वांटिफाइबल डेटा टू कंपेयर द स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन द स्टेट्स एंड यूटीज.
enable states and UTs to formulate and implement suitable strategies for improving governance. जहाँ पे वो lack कर रहे हैं वहाँ पे उनको suitable strategies को adopt करके उनको improve करना है. Shift to result-oriented approaches and administration. अब याद रखना good governance index. इसके अंदर जो states को है classification किया गया 3 groups के अंदर. Big states, northeast and hill states और third class है union territories. बिग स्टेट्स के अंदर आपका तमिलनाडु ने टॉप किया है. नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स के अंदर हिमाचल प्रदेश ने रैंक किया टॉप किया है और यूनियन टेरिटरीज के अंदर पुदुचेरी ने टॉप किया है. मीन्स वहाँ का गवर्नेंस बेस्ट है. उसके अलावा उसके बाद में है चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप जो है सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है. तो आपको पता होना चाहिए ये वाला इंडेक्स. उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है पोर्टल टू ब्लॉक एंड ट्रेस स्टोलन मोबाइल. बेसिकली एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसके अंदर आप कोई मोबाइल ब्लॉक है या कोई मोबाइल खो गया है आप उसको पता कर सकते हैं. जैसे ये IMEI एक नंबर होता है हर मोबाइल को असाइन होता है. तो ये पोर्टल क्या करेगा, इनेबल ब्लॉकिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल फोन्स. तो इनिशिएटिव को पहले स्टार्ट किया गया था मुंबई के अंदर सितंबर 2019 के अंदर और अभी इसको दिल्ली एनसीआर के अंदर भी लागू किया है और स्लोली इसको ऑल ओवर इंडिया लागू किया जाएगा. द प्रोजेक्ट इज बैक्ड बाय द सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR सिस्टम विच वॉज अंडरटेकन बाय द टेलीकॉम डिपार्टमेंट फॉर एड्रेसिंग सिक्योरिटी थेफ्ट एंड अदर कंसर्न इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग ऑफ मोबाइल हैंडसेट. इट विल फैसिलिटेट, ये इंपॉर्टेंट है, request for blocking of stolen or lost mobile phones by customers, allowing services to other existing customers having mobile phones with the same international mobile equipment identity number, sharing of traceability data with police authorities as well as unblocking of recovered phones. ये सारे features है इस portal पर. आप उसको ये enable provide, ये provide करेगा portal. अब इसके अंदर एक term आई है IMEI, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनका वेटेज काफ़ी बढ़ गया है उसको ध्यान में रखते हुए. एवरी फोन और मोबाइल ब्रॉडबैंड डिवाइस हैज़ यूनिक 15 डिजिट कोड. ये 15 डिजिट का कोड होता है जो हर मोबाइल होता है उसको ये प्रोवाइड किया जाता है. ये क्या करता है, प्रिसाइसली आइडेंटिफाइज द डिवाइस, डिवाइस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग असाइन IMEI नंबर्स टू इच इन डिवाइस based on range allotted to them by the Global System for Mobile Communication Association. इसके द्वारा जो मोबाइल ऑपरेटर्स है वो हर एक मोबाइल को ये नंबर असाइन करते हैं जो कि उनको कंसर्न जो रेंज मिली होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज मिली होती है जिस रेंज में उनको ऑपरेट करना होता है उसके अंदर. अगर ड्यूल सिम का मोबाइल है तो उसके अंदर 2 IMEI नंबर होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. IMEI नंबर इज प्रोग्रामेबल एंड क्रिमिनल्स कैन रीप्रोग्राम, उसको रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं. द 15 डिजिट यूनिक नंबर विच रिजल्ट्स इन द क्लोनिंग ऑफ EMI. क्लोनिंग का मतलब होता है उसके जैसी कुछ दूसरी आइडेंटिटी को क्रिएट कर देना. देर आर मल्टीपल फोन डिवाइसेज एंड हंड्रेड्स ऑफ नंबर विद द सेम IMEI नंबर. अब सब सपोज करो एक क्रिमिनल है, उसने 100 फ़ोन को कहीं से चोरी कर लिया डिफरेंट लोकेशन से और उसके बाद में क्या उसको रीप्रोग्राम कर दिया तो सेम IMEI नंबर को क्या किया, उसका क्लोनिंग उसने प्रोड्यूस कर दिया. अब क्या होगा कि आप एक उस पर्टिकुलर IMEI नंबर को आप जब ब्लॉक करोगे तो उसके रिलेटेड जो जेन्युइन कस्टमर होगा उसको भी प्रॉब्लम फेस हो जाएगी. लेकिन अब ये जो पोर्टल है उसमें क्या होगा, जो जितने भी क्लोनिंग प्रोवाइड हुई है इसमें से जो स्पेसिफाई आपका है कि हाँ इसको ब्लॉक करना है उसी को आप ब्लॉक कर पाओगे, जिससे क्या होगा जेन्युइन कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होगी. इफ सच IMEI इज ब्लॉक्ड, अ लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स स्टैंड्स द रिस्क ऑफ बीइंग ब्लॉक्ड कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू जेन्युइन कस्टमर्स. द सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन डेवलप्ड नाउ allows an individual phone to be blocked even if it is on a clone IMEI number. आप individual phone है उसको आप block कर सकते हो, ये काफ़ी important point है. Because of the centralized nature of the register or database, all the operators can block the particular stolen or device across the country even though the phone is being serviced by one particular operator. ये जो centralized system है तो कोई भी operator है जो phone को वो उसको block कर सकता है, ये काफ़ी important point है. नेक्स्ट टॉपिक पोषण अभियान. पोषण अभियान अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मनी को रिलीज़ किया था
उसको ओनली 30% ऑफ द फंड्स रिलीज अंडर द पोषण अभियान हैव बीन यूटिलाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ओनली 30% वो यूज़ कर पाए हैं, बाकी वो ऐसे के ऐसे ही रह गया. तो पोषण अभियान जो है वो उस क्या है, बेसिकली सेंटर्स फ्लैगशिप प्रोग्राम विच एम्स एट इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल आउटकम्स. पोषण का मतलब ये होता है, हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन जो आउट न्यूट्रिशन है उसको इंक्रीज करना है, किसके अंदर, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ स्टंटिंग, अंडरवेट, एनीमिया एंड लो बर्थ वेट बाय 2022. 50% ऑफ द टोटल बजट कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक और अदर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 50% तो वहाँ से आएगा, वर्ल्ड बैंक से या मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक से, और 50% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% प्रोवाइड करे, जो अब जो टोटल जो सपोर्ट है उसका 60-40 बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. 90-20 जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए, और 100% फॉर द यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज्ड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे को रिलीज़ किया था अक्टूबर के अंदर, जिसके अंदर ये फाइंडिंग्स पाई गई कि 35% ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर स्टंटेड एंड 70% आर वेस्टेड एंड 33 आर अंडरवेट. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, आप मीन्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी आप यूज़ कर सकते हो. एक इसकी प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. नाम ही कैसा है, इंटीग्रेटेड है, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. इसमें चाइल्ड और विमेन को कवर किया जाता है. द स्कीम प्रोवाइड स्पेसिफिक इंटरवेंशंस टारगेटेड टुवर्ड्स द वल्नरेबल ग्रुप्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स एंड विमेन. इनको कवर किया जाता है. ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है. इसके अंदर 6 सर्विसेज इंक्लूड की जाती है. कौन कौन सी है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज. आप एक बार इसको देख लेना सारे, ये जो 6 पार्ट है, जो 6 सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी ICDS के अंदर. कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इंटेंटेड टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर फर्दरिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम. यहाँ आप देख सकते हैं मैप के अंदर ये जो परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन है, किस स्टेट ने कितना यूटिलाइज किया. जैसे मेघालय की बात करें तो 48.37%, मिजोरम 65.12%. आप एक बार इसको इंडेक्स को आपको देख लेना कि किस स्टेट्स ने कितनी मनी को यूज़ किया है इस पोषण अभियान के अंदर जो रिलीज़ हुई. नेक्स्ट टॉपिक है सोलर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स 26 December 2019, इंडिया एक्सपीरियंस्ड एनुलर सोलर इक्लिप्स ऑफ 0.97 मैग्नीट्यूड विथ 3 minutes एंड 39 seconds मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ टोटैलिटी. पार्ट्स ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु एक्सपीरियंसेस द फुल ग्लिम्स ऑफ द रिंग ऑफ फायर सोलर इक्लिप्स. रिंग ऑफ फायर इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनुअल सोलर इक्लिप्स. इट कॉजेज द सन टू लुक लाइक अ रिंग. बेसिकली क्या होता है, जैसे आपका ये सोलर इक्लिप्स कब होता है, ये आपका सन है, ये मून है और ये आपका अर्थ है. जब ये आपका सन, ये मून एंड अर्थ, ये तीनों ये जब एक ही डायरेक्शन में आते हैं तो मून क्या करता है, जो सन से जो लाइट आ रही है उसको ब्लॉक कर लेता है. तो अब कंडीशन ऐसी हो कि मून इतना पोर्शन ब्लॉक कर जाए कि ओनली रिंग दिखने लग जाए. जैसे यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, ओनली रिंग दिख रही है, तो ये वाले पोजीशन होती है उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर. ओके, चेरुवथूर इन कासरगोड डिस्ट्रिक्ट केरला इज वन ऑफ द 3 प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर द सोलर इक्लिप्स वॉज सीन मोस्ट क्लियरली. सोलर इक्लिप्स क्या होता है उसको अभी देखते हैं. Sorry for some technical disturbance. Partial phases of the solar eclipse were visible from all over the country in varying magnitude depending upon the geographical position. Eclipse magnitude, अब ये जो terms है, terms ऐसा पूछ सकते हैं कि recently solar eclipse देखा कि ये terms eclipse magnitude क्या है. तो ये basically क्या है, is the fraction of the sun's diameter which is covered by the moon. वैसे अभी मैंने आपको बताया था ये sun है, आपका moon है. जो मून ने सन का जितना डायामीटर कवर किया है टोटल डायामीटर के रेस्पेक्ट में, जो ये सन का टोटल डायामीटर होगा और कुछ डायामीटर जो मून कवर कर रही है, मून जो डायामीटर कवर कर रहा है वो, और जो आपका टोटल डायामीटर उसका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं इक्लिप्स मैग्नीट्यूड. सोलर इक्लिप्स मैंने अभी बताया आपको, इज ए फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन द मून कम्स इन द वे ऑफ द सन्स लाइट. अभी आपने देखा था यहाँ पे ये सन था, ये मून था और ये अर्थ था. जब मून है ये आपका सन
और ये अर्थ। मून जब सन और अर्थ के बीच में आता है तब उस कंडीशन को बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। इसमें क्या होगा, सन से जो लाइट आ रही है, ये मून क्या होगा, इसके दो टाइप के पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो ऐसा बन जाता है, ये बीच वाला सेंट्रल रीजन है, और दूसरी लाइट है वो इस तरह से जाती है। तो जो अंदर वाला रीजन होता है उसको तो बोलते हैं अम्ब्रा, और बाहर वाला ये जो शेप बन रहा है, ये बाहर वाला ये पोर्शन जो है उसको बोलते हैं पिनम्ब्रा। अभी आगे देखते हैं उसको। सोलर इक्लिप्स इज ए फिनोमिना दैट अकर्स व्हेन द मून कम्स इन द वे ऑफ द सन्स लाइट। द मून शेडोज कास्ट इटसेल्फ ऑन अर्थ ब्लॉकिंग आउट द सन्स लाइट एज फ्रॉम द अर्थ। जैसे हमने अभी देखा, द मून शेडो हैज टू सेंट्रल टू पार्ट, अभी बताया मैंने, सेंट्रल रीजन होता है उसको बोलते हैं अम्ब्रा, एंड आउटर रीजन होता है उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। अब इसके अकॉर्डिंग ये थ्री टाइप्स के सोलर इक्लिप्स होते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स, इसका मतलब क्या होगा, एंटायर सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सन इज ब्लॉक्ड आउट बाय द मून, पूरा का पूरा पोर्शन मून के द्वारा ब्लॉक हो गया। पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ओनली पार्ट ऑफ द सन सरफेस इज ब्लॉक्ड आउट, और ओनली एक पार्ट है उसको ब्लॉक किया गया मून के द्वारा, सन का जो पार्ट है। थर्ड है एनुलर सोलर इक्लिप्स, द सन इज कवर्ड इन सच ए वे दैट ओनली ए स्मॉल रिंग लाइक सिल्वर ऑफ लाइट इज सीन फ्रॉम द सन्स डिस्क। दिस रिंग इज नोन एज द रिंग ऑफ फायर। इसके अंदर क्या हुआ, ना तो पूरी तरह से ब्लॉक किया और ना पार्सल हो, उसका मतलब क्या होगा, रिंग टाइप रिंग दिखती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया सन है और ये मून है, तो जितना पोर्शन ब्लॉक करेगा ये रिंग, ओनली रिंग वाला पार्ट दिखता है, उसको बोलते हैं एनुलर। एनुलर का मतलब ही होता है रिंग टाइप, एनुलर सोलर इक्लिप्स। तो अभी जो देखा गया वो एनुलर सोलर इक्लिप्स था। एनुलर इक्लिप्स हैपन्स, इसकी कंडीशन भी याद रखना, ये कब होता है, व्हेन मून इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। अब जब आपको बताया कि जैसे ये साइकिल, ये आपका इलेप्टिकल जो ऑर्बिट होता है, जब मून जो है ये आपका मून यहाँ पे अर्थ से सबसे ज़्यादा दूर होता है, दूर वाले कंडीशन को बोलते हैं एपोजी, और सबसे पास वाले कंडीशन होते हैं उसको बोलते हैं पैरेजी। तो जब ये मून एपोजी की कंडीशन में होता है तब होता है एनुलर इक्लिप्स होता है, ये आपको याद रखना है। सो एनुलर इक्लिप्स हैपन्स वेन द मून इज फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ। एज द मून इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम अर्थ इट सीम्स स्मॉलर एंड इज अनेबल टू ब्लॉक द एंटायर व्यू ऑफ द सन बिकॉज ऑफ विच द रिंग लाइक स्ट्रक्चर कुड बी ऑब्जर्व्ड। लेट्स नेक्स्ट टॉपिक, ड्रैग पैसेज। ड्रैग पैसेज कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका चिली के यहाँ पे एक लोकेशन है जिसका नाम है आपका अमेरिकन केप होन, साउथ अमेरिकन केप होन। यहाँ पे केप होन है, केप होन है, और यहाँ पे जो आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका का साउथ सेलेंड आइलैंड है, इसके बीच वाला जो रीजन है ये है ड्रैग पैसेज है। तो याद रखना है, इट इज़ द बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन साउथ अमेरिकाज केप होन, केप होन एंड साउथ सेटलैंड आइलैंड। ये साउथ सेटलैंड आइलैंड है ऑफ अंटार्कटिका, लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ के बीच का ये वाटर, ये वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं आपका ड्रैग पैसेज। इट कनेक्ट्स द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे पास में ये यहाँ पे है स्कोटिया सी है, और इसको ये कनेक्ट करता है यहाँ से टू द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन एंड एक्सटेंड्स इन टू द सदर्न ओशियन। आगे आपका सदर्न ओशियन आएगा, यहाँ अटलांटिक ओशियन है, तो अटलांटिक का कौन सा पार्ट हो जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये साउथ वेस्टर्न पार्ट हो गया अटलांटिक का, और ये यहाँ पे साउथ ईस्टर्न पार्ट हो गया पैसिफिक का, इन दोनों को कनेक्ट करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट क्रॉसिंग फ्रॉम अंटार्कटिका टू एनी अदर लैंड मास। अंटार्कटिका जो आपका यहाँ पे लोकेशन है उससे किसी लैंड मास के पास में सबसे कम डिस्टेंस ही है। अगर आप पूरा मैप देखोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। देर इज़ नो सिग्निफिकेंट लैंड एनी वेयर अराउंड द वर्ल्ड एट द लेटीट्यूड ऑफ ड्रैग पैसेज। ड्रैग पैसेज जितने लेटीट्यूड पे है, लेटीट्यूड का मतलब ये जो लाइनें होती है पैरेलल लाइंस होती है, इस पैरेलल लाइंस वाले लोकेशन पे कहीं पे भी कोई लैंड नहीं है, पूरा वाटर ही वाटर है। विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू अनइम्पेडेड फ्लो ऑफ द अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट विच कैरीज अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू द पैसेज एंड अराउंड अंटार्कटिका। द पैसेज इज नेम्ड आफ्टर सर फ्रांसिस ड्रैग हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू सर्कम नेविगेट द ग्लोब। तो आप लोकेशन याद रखना ड्रैग पैसेज की कहाँ पर है। लेट्स मूव टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो जब एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करती है, एक तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, जिससे जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ अ कंट्री बिकमिंग द मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जब मेंबर बनते हैं तो इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। हाँ, ये रीज़न है, इसलिए इंडिया भी इसका मेंबर बनना चाहता है। इट इज़ ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलीफ्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। ऑटोमेटिकली नहीं बनते हैं, उसके लिए अलग से चाइना यही बात बोल रहा है कि इंडिया को पहले NPT साइन करना पड़ेगा, उसके बाद में NSG जो मेंबर बन सकता है। इसलिए वो NSG की जो मेंबरशिप में चाइना बार बार जो ब्लॉकेड प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को, तो ये NPT का डायरेक्ट मेंबर नहीं बनते हैं, उसको अलग से साइन करना पड़ता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब चलते हैं सी सेट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में एक्स क्या होगा, एक्स को ये नंबर दे रखे हैं, इसको मैंने फर्दर देखो 4 को लिखा 2 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 12 स्क्वायर 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर 8 स्क्वायर। अब ये क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना है। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये 2 का स्क्वायर, इसके बाद में 4 आ रहा है, इसके बाद में 6 आ रहा है, उसके बाद में 8 का स्क्वायर आ रहा है, और इधर क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। 14 का स्क्वायर से बन गया 12 का स्क्वायर, फिर आपका 10 का स्क्वायर, तो अब नेक्स्ट क्या बनेगा आप जो बताओ, 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर मीन्स 64 विल बी करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।